हेलो बच्चों, आज अपन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अपन ये बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स की मेनली जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन मेनली इंफेसाइज करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बाकी फिर अपन ये जो दो बची हुई रिएक्शंस है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वो स्पीसी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सके इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। तो मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, वी हैव हेलो एल्केन, ठीक है। इसको अपन सब्सट्रेट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर सारा फोकस है अपना कि इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है। नाउ अपन ने देखा है कि ये जो हेलोजन एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहां पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, ठीक है, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां जो ये हैलाइड है ये बाहर निकल जाता है एज अ लीविंग ग्रुप। तो अपन इसको बोलते हैं भाई लीविंग ग्रुप के जैसे बाहर निकल गया। तो बहुत सिंपल टर्म में एक न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा हेलो एल्केन में। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंस दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और यहां पे एक एटम दूसरे एटम या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए अपन इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो पूरा नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन इसका मैकेनिज्म करेंगे, बट उससे पहले अपन देख लेते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल्स की क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। ये रिएजेंट्स हैं, ये नोट्स के अंदर तुमको दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। इन रिएजेंट्स में न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कल हैलाइड में तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो दिए हुए हैं। जैसे अगर मेरे पास एक्वस NaOH है तो OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, X को हटा करके OH लग जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल, ठीक है। वाटर के अंदर वाटर इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करते हैं और अपने को फिर से एल्कोहल मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारे दिए हुए हैं, जैसे अमोनिया है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अपने को अमाइंस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट हैं अपन वो डिस्कस करेंगे मेनली, जिसपे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड पे, वो है KCN और AgCN, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं KCN के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN माइनस है और AgCN के अंदर AgCN इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल। और जो प्रोडक्ट मिलते हैं दोनों के केस के अंदर है दोनों में साइनाइड ही, लेकिन प्रोडक्ट जो मिल रहा है एक में साइनाइड मिल रहा है और एक में आइसोसाइनाइड मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब KCN ले रहे हैं तो प्रोडक्ट नाइट्राइल मिल रहा है और जब AgCN ले रहे हैं तो आइसो नाइट्राइल मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली KNO2 और AgNO2, ठीक है, इनकी जब रिएक्शन होती है तो एल्किल नाइट्राइट मिलता है और यहाँ पे नाइट्रो एल्केन मिलता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि एक कुछ टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। लेट्स लुक एट इट। तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो अटैकिंग साइट होती है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे साइनाइड जो है, साइनाइड आयन के अंदर, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन से भी अटैक कर सकता है ये, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी अटैक कर सकते हैं। तो दो अटैकिंग साइट होती है इसलिए इसको बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा नाइट्राइल के अंदर भी दो अटैकिंग साइट होती है, एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और दूसरा जो होता है दैट इज नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर है, बोथ ऑफ देम कैन अटैक, ठीक है। ये जब दोनों अटैक करेंगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। सो ये क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। हेलो एल्केन्स
रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड, वेर एज दे रिएक्ट विथ AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड. वाई वाई दिस हैपन्स? ठीक है, तो इसका आंसर लाया करता है जो KCN होता है वो आयनिक इन नेचर होता है और AgCN जो होता है वो मेनली कोवेलेंट होता है. ठीक है, तो KCN के अंदर मुझे साइनाइड आयन इजीली मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ साइनाइड आयन मुझे इजीली मिल गए तो दो पॉसिबिलिटी है कि कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इसलिए KCN के साथ ये साइनाइड बनाता है. तो ये रहा, नोट्स के अंदर तुम्हारे लिखा हुआ होगा KCN is ionic and provides CN minus ions. ठीक है, अटैक कैन टेक प्लेस टू बोथ ऑफ देम, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंगर होता है. ठीक है, ज्यादा स्टेबल है देन CN बॉन्ड, इसलिए मेनली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर साइनाइड बनता है. अब AgCN के अंदर क्या होता है, AgCN जो है, जो तुम्हारे कीवर्ड्स आने चाहिए वो ये सब आने चाहिए आंसर के अंदर, इट्स कोवेलेंट इन नेचर. ठीक है, तो सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वही बचे हैं टू अटैक. ठीक है, तो जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और अपने को आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा. एंड सेम विल हैपन, सेम क्वेश्चन यहां पे भी बन सकता है, यही नाइट्राइट है और सिल्वर नाइट्राइट है तो इसके अंदर क्या प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, तो जब KNO2 है तो ये ऑक्सीजन के लोन, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, और जब AgNO2 है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. मैकेनिज्म, तो दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN2 एंड SN1. SN का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब है बायोमोलिक्यूलर और 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर. तो सबसे पहले अपन देखते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, सो इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर. ओके, अब इसका नाम ऐसा क्यों है वो भी अपन देखेंगे, पहले अपन समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है. ठीक है, तो यहां पे अपन ने सबस्ट्रेट बनाया हुआ है, ये एक सबस्ट्रेट है, एल्किल हैलाइड है. ठीक है, यहां पे कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्बन पे देयर विल बी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पे है. ओके, सो डेल्टा पॉजिटिव है और मैंने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है, जैसे यहां पे अपन ने लिया है OH-, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, उसकी साइड ये अटैक करेंगे. ठीक है, तो होता क्या है, ये इस पे अटैक करेगा. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक ही ट्रांजिशन में ये रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इससे OH और Cl दोनों एक साथ एक ट्रांजिशन आएगा जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा कार्बन क्लोरीन का, और जो ये कार्बन OH बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन का, और ट्रांजिशन होते होते Cl बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, तो कैसा होगा ये देखते हैं अपन. तो लेट्स से ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है और ये मेरा जो ब्लू के अंदर है दैट इज लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप है. ठीक है, ये मैंने OH आयन है, ये ग्रुप है कि इस पे ऐसे अटैक करेगा. ठीक है, ये अटैक करेगा तो यहाँ साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा. सो लेट्स सी कि कैसे होगा. ठीक है, तो ये है अपने पास, ये था यहाँ पे, ये हैलाइड है और बाकी 3 ग्रुप जो है वो अटैच है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये इसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करा ऐसे. अभी ये वीक बॉन्ड होंगे, दोनों साइमल्टेनियसली इसके साथ बॉन्डेड होंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, ये जैसे ही आया तो ये बॉन्ड थोड़े से ऐसे शिफ्ट होंगे और फाइनली अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये जो अपना हेलोजन है ये बाहर निकल जाएगा एज ए लीविंग ग्रुप, बाहर डिपार्ट हो जाएगा और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, तो अपने पास इनिशियली ये कंपाउंड था, ये
ब्लू वाला जो ग्रुप है हेलोजन वाला है वो बाहर निकल गया और यहाँ पे अपना OH माइनस अटैक हो गया, अटैच हो गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों की कॉन्फिगरेशन एक दूसरे की मिरर इमेज है, बॉन्ड्स जो हैं। हैड इट बीन द ब्लू ग्रुप तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखते। तो अपन क्या बोलेंगे कि जब SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब अपन इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे टर्म्स जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SN2 रिएक्शन के, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, नाउ यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि सब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक ही साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक ही स्टेप है। तो रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं दो चीजें वो है एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी रेट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ठीक है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बाय मॉलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देयरफॉर इसका जो नाम है वो है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 इज फॉर बाय मॉलिक्यूलर। वाई? बिकॉज रेट इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ एल्किल हैलाइड एंड दी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट्स है आपको ये सब ध्यान रखने हैं, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और ट्रांजिशन जब हो रहा है द एट द टाइम कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 अदर एटम्स, हाईली अनस्टेबल है, उसको अपन अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस स्पीसी को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपने को, हाईली दिस इज हाईली अनस्टेबल एंड कांट बी आइसोलेटेड। कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 एटम। ठीक है, अभी अपन ने बोला था कि भाई इन्वर्जन हो जाता है, वोल्डन इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन मतलब अगर मेरा ये, तो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि किस तरीके से अपन देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एक्सप्लेन करा था कि भाई मिरर इमेजेस क्या होती है, इन्वर्जन क्या होता है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा अपना, यहाँ पे अगर सारे ग्रुप, ये अगर मेरा काइरल कार्बन है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन इज द लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस पर अटैक करेगा, तो एक साथ ये पांचों से बॉन्डेड होगा। दिस कार्बन इज काइरल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। See, these two are different in configuration. ये दोनों अलग configuration के हैं। ठीक है, had it been Cl over here, OH की जगह, तो ये दोनों एक दूसरे के mirror image होते हैं। तो ऐसी चीज को अपन Walden inversion कहते हैं, इसके अंदर inversion of configuration होता है SN2 में। ठीक है, दूसरी इसके अंदर काफी important चीज है और इस पे based question आते ही आता है, है ना, कि प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप हैज ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट, यानी अगर कार्बन जो है जिस पे अटैक हो रहा है उससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अगर बड़े साइज में हैं, उन पे बल्की ग्रुप अटैच्ड है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये साफ यहाँ पे आपको फिगर के देख करके समझ में आएगा कि अगर बल्की ग्रुप है, यहाँ पे दो छोटे, ये तीन हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन को अप्रोच कर पाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रुप बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी ये इसको अप्रोच कर जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रुप ये बड़े होते चले जाएंगे, ग्रुप बड़े होते चले जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास आने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रिलेटिव रेट भी यहाँ पे देख सकते हो, नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये मिथिल हैलाइड है, इसके अंदर 30, इसके अंदर 1, इसके अंदर 0.02, और टर्शरी हैलाइड के अंदर मान लो कि SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है, इट डजंट हैपन। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर मिथिल और प्राइमरी के अंदर काफी ज्यादा होती है SN2 रिएक्शन की रेट एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी तो मान लो जीरो है, होता ही नहीं, इट वोंट इवन टेक SN2 पाथ। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड्स के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको दो कंपाउंड दे देते हैं या तीन कंपाउंड दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसके अंदर से SN2 रिएक्शन
कौन फास्ट देगा, या दूसरा मैकेनिज्म है SN1, तो SN1 कौन फास्ट देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यूजुअली ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि आप पे आपको देखना होता है कि जो कार्बन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शरी इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अंदर प्राइमरी फास्ट होता है, देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि हैलाइड्स के ऑर्डर की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो RI की रिएक्शन ज्यादा होगी RBr से, देन RCl से, देन RF से। ऐसा क्यों? बिकॉज I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ये डिपेंड करता है इनकी साइज पे। कैसे? अगर मैं कंपैरेटिव साइज देखूं तो ये मेरा अगर I माइनस है, ठीक है, तो Br माइनस इससे थोड़ा सा छोटा होगा, Cl माइनस उससे छोटा होगा, एन एफ माइनस बहुत ही छोटा होगा। अब यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज सब पे बराबर है, लेकिन यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वह बड़े वॉल्यूम पे डिस्पर्स्ड है। जब भी देर इज डिस्पर्जन ऑफ चार्ज तो वो स्टेबिलिटी कॉज करता है, और उसकी वजह से आई माइनस ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़े वॉल्यूम पे है, देयरफॉर आई माइनस इज मोर स्टेबल देन बी आर माइनस, दैट मेक्स आई माइनस अ बेटर लिविंग ग्रुप देन बी आर माइनस। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब ये जो रिएक्शन है, और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, दैट इट इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए? क्योंकि भाई यहां पे जब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है एक्चुअली, यहां पे सिर्फ पोलराइजेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत थोड़ा सा होगा। तो अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये इतना इफेक्टिवली इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। देयरफॉर SN2 मैकेनिज्म इज ऑलवेज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, all right, now it is also favored by polar aprotic solvents such as ether, DMSO, DMF, crown ether, etc. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो जैसे अगर मेरे पास NaOH है, ठीक है, if I have NaOH, तो NaOH के जो ये पॉजिटिव पार्ट है इसको ये, जैसे ये मेरे पास crown ether है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बोर्ड्स में ये नहीं पूछते हैं, बट फिर भी बता देती हूँ, इसको ये ऐसे सॉल्वेट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, स्पेशली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ध्यान रखनी है अपने को इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप जो है उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं SN2 के अंदर, वो ध्यान रखना है। बहुत बार दो नंबर का मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है, सो यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म, तो ये वाला मैकेनिज्म याद कर लेना, ठीक है, और यू कैन लर्न दिस रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो कहाँ पे बताना होता है कि भाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल देकर के बता, तो ऐसा बता सकते हो। एंड मोस्टली यही आता है कि दो आपको कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं और आपको बताना होता है कि उसमें से कौन SN1 फास्टर जाएगा या SN2 फास्टर कौन जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों अपन SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म फर्स्ट, क्या होता है इसके अंदर। पहले अपने पास यहां पे देखो, वी हैव अ टर्शरी अल्कल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले ये Br- बाहर निकलता है और अपने को एक कार्बोकेटायन मिलता है। दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, मुश्किलों से होता है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, सो वी गेट कार्बोकेटायन। तो ऑब्वियसली देख करके पता लग रहा है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द डिफिकल्ट स्टेप। ठीक है, जैसे ही कार्बोकेटायन बना, ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पे अटैक कर देगा, ओके, एंड वी गेट एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो अगर अपन इसे SN2 के कंपैरिजन में देखें, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, इट इज टेकिंग प्लेस इन टू स्टेप। ठीक है, और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे है। ये आयोनाइज हो रहा है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, उसी के बाद आगे रिएक्शन हो रही है, राइट। सो विल राइट, सो विल सी एट द पॉइंट्स, लुक एट द पॉइंट्स, क्या क्या है इसमें। तो रेट इज, यहाँ पे जो रेट है इट इज डिपेंडेंट अपॉन एल्किल हैलाइड। ठीक है, सिर्फ एल्किल हैलाइड पे है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ओके सी देयरफॉर इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर. क्यों? क्योंकि रेट जो है जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन एल्किल हैलाइड. देयरफॉर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर. ओके नेक्स्ट दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. ये अपन ने देख ही लिया. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये चीज ध्यान रखना जब भी अगर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता है राइट. जैसे इस बार ही देखें अपन ऑल इंडिया वाले पेपर के अंदर 2020 के अंदर राइट मैकेनिज्म पूछा था राइट. मैकेनिज्म पूछा था SN1 रिएक्शन का. कंपाउंड दे दिया था. हो सकता है ये कंपाउंड ना हो टर्श ब्यूटिल ब्रोमाइड कुछ और हो जो भी था टर्शरी ग्रुप था टर्शरी कार्बन था टर्शरी हैलाइड था उसके अंदर. उसका अपन को मैकेनिज्म लिखना था. तो तुमको ये ध्यान रखना है कि दो स्टेप में लिखना है. जब भी आप मैकेनिज्म लिखो आपको ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लिखनी जरूरी है. आपको बताना पड़ेगा दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू. ठीक है मैकेनिज्म खत्म हो जाता है. तो ये सारा अगर आपने पूरा लिख लिया तो अपना मैकेनिज्म खत्म हो गया. ठीक है तो ये अपने समझने के लिए है पॉइंट कि दिस इज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन टू स्टेप. सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना और फिर उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ. ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नाउ इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट जो अपने को मिलता है. ठीक है ये रिएक्शन पहले अगर अपन SN2 में देखे तो वहां क्या हो रहा था. वहां पे इन्वर्जन हो रहा था. ठीक है यहां पे रेसिमाइजेशन होता है. कैसे? अगर मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है यानी काइरल सेंटर पे अगर रिएक्शन हो रही है. ठीक है वी हैव अ काइरल कार्बन. ठीक है ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है. इसके अंदर अगर अपन SN1 मैकेनिज्म करते हैं तो क्या होगा. सबसे पहले यहाँ पे ये रिएक्शन हुई ये कार्बोकेटाइन बना. ओके वंस दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड अब OH- इस पे अटैक करेगा. अब जो ये कार्बोकेटाइन होता है दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर. ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. जैसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है देर आर टू पॉसिबिलिटी कि किधर भी साइड से अटैक हो सकता है. ठीक है किसी भी साइड से अटैक हो सकता है OH- का. ठीक है यहाँ पे ये तीनों एक ही प्लेन में है ट्राइंगल में बता रखा है. OH- किसी भी साइड से अटैक कर सकता है एंड वी विल गेट टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशन. और अगर अपन इन दोनों को देखें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. तो इसके अंदर अपन को रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलता है. तो यानी मेरे पास अगर जो रिएजेंट था वो ऑप्टिकली एक्टिव था. प्रोडक्ट क्या मिला मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिला. ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियमर. ठीक है अगर थोड़ा सा डेप्थ में अगर पॉइंट देखे तो यहाँ पे इन्वर्जन जो होता है वो दैट इज स्लाइटली प्रिफर्ड ओवर रिटेंशन. ठीक है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोनों चीज हो रही है इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है. तो ये तो रिटेन्ड प्रोडक्ट है और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है. और दोनों अगर इक्विमोलर मिक्सचर रेशियो में है तो यह रेसिमाइजेशन है. ठीक है ओके तो बोर्ड्स के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ जेई वगैरह के हिसाब से अगर SN1 मैकेनिज्म हो रहा है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रिटेंशन वाले प्रोडक्ट. तो प्योर रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होता है बट बोर्ड्स के हिसाब से रेसिमाइजेशन इज द आंसर. ओके द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्वियसली जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही अपनी रिएक्शन फास्ट होगी. तो हमने 11th क्लास के अंदर देखा है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो रेट ऑफ रिएक्शन यही होगी कि टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से और प्राइमरी से. प्राइमरी रेदर इट विल ऑलवेज फॉलो SN2 पाथ. ठीक है अब यहाँ पे दो और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको ध्यान रखनी है कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं दे अंडरगो SN1 रिएक्शन. क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक दे आर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. ठीक है यहाँ पे देखो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हो गया और डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया. यानी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. सिमिलरली अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है देन ऑल्सो इट विल अंडरगो SN
वन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ये कार्बोकेटाइन बना, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, यानी पॉजिटिव जो चार्ज था वो पूरी बेंजीन रिंग में डिस्पर्स हो गया, एंड डिस्पर्जन ऑफ चार्ज विल इंक्रीज दी स्टेबिलिटी. जो मेरा इंटरमीडिएट बना बेंजाइलिक हैलाइड के केस के अंदर, तो वो जो कार्बोकेटाइन बना है वो काफ़ी स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसलिए हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, यानी अगर मुझे अलग अलग हैलाइड्स हैं लाइक आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो कौन फास्ट जाएगा? ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर. अगेन सेम आंसर, क्यों? क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है, ठीक है, लीविंग ग्रुप I माइनस इज मोर स्टेबल देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस, तो ये वाली जो चीज है दैट इज सेम एज SN2. ठीक है, ओके, दिस इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल. ओके, ये चीज ध्यान रखनी है. दिस इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पहले वाले में SN2 में क्या था? पोलर ए प्रोटिक, यहाँ पे पोलर प्रोटिक है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? लेट्स से यहाँ पे अगर जो ये Br माइनस बना है रिएक्शन मैकेनिज्म में, यहाँ पे जो ये Br माइनस बना है, ठीक है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी? जब ये दोनों जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी. दूसरा, अगर Br माइनस को मैं सॉल्वेट कर लूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी. तो इसको सॉल्वेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जैसे वाटर हो गया, ठीक है, तो वाटर हो गया तो वाटर इसके चारों तरफ ऐसा शेल बना लेगा और इसको सॉल्वेट कर लेगा Br माइनस आयन को. तो रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी. तो इसलिए हमको SN1 मैकेनिज्म के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है. तो NCERT के हिसाब से दीज पॉइंट्स आर इनफ फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. तो आपको इसमें ध्यान रखना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लेते हैं, तो ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर है जो SN2 मैकेनिज्म में था. SN2 के अंदर 1 डिग्री फास्टर था, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो जाता ही नहीं था SN2 मैकेनिज्म में. यहाँ ऑर्डर उल्टा है. टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी इन SN1 रिएक्शन. तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है. फिर वही एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड में से कौन फास्ट से जाएगा, तो वो चीज अपने को ध्यान रखना है. और एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहे हैं तो सिंस वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो वहां पे जो एल्किल हैलाइड है वो SN1 पाथ फॉलो करेगा इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफी कॉमन है. जैसे ये रहा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखते हैं अपन. आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स दैट आर बीइंग गिवन, जो मैं बोल रही थी ना कि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आते ही आता है, विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 मैकेनिज्म. तो आपको देखना है कि जब हैलाइड बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ठीक है, तो अब अगर यहां पे मैं देखूं तो यहां पे दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. जैसे ये निकलेगा दिस इज सेकेंडरी हैलाइड, दिस इज प्राइमरी हैलाइड, सो ऑब्वियसली सेकेंडरी हैलाइड विल गो अंडर गो SN1 रिएक्शन फास्टर. क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है इसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगोस फास्टर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. अगेन सी दिस, यहां पे दिस इज टर्शरी हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी हैलाइड, तो कौन फास्टर जाएगा? टर्शरी. क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है इसके अंदर. ओके, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई. ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्लब कर दिए हैं. ठीक है, दोनों ही 15 के हैं, अलग अलग सेट में थे. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को देखना है, जस्ट लुक ओवर हियर, यहाँ पे ब्रोमाइड और यहाँ पे आयोडाइड है. एल्किल ग्रुप सेम है, मुझे क्या पता है विच लिविंग ग्रुप इज बेटर? आयोडाइड आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड आयन, सो आंसर इज दिस. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे
ब्रोमाइड है, यहाँ पे भी ब्रोमाइड है, बट दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री. तो SN2 रिएक्शन फास्टर कौन जाएगा? मुझे पता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्किल हैलाइड ज्यादा फास्टर जाएगा. क्यों? क्योंकि बल्की ग्रुप जब भी प्रेजेंट होते हैं तो वो SN2 के मैकेनिज्म को स्लो कर देते हैं. सो दिस वुड अंडरगो फास्टर SN2 रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है. ओके, तो अपन ने कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर वाले इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं. उसके अलावा मैंने जब मैकेनिज्म लिखा था तभी बता दिया था कि भाई ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है मैकेनिज्म, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज होता है और रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलता है. सिमिलरली SN2 मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, काफ़ी ऑफन रिपीट होते हैं और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं जहाँ पे आपको बताना होता है, कंपेयर करना होता है कि कौन फास्टर जाएगा SN2 मैकेनिज्म में या SN1 मैकेनिज्म में. ठीक है, तो आई होप कि ये तुमको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए. सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो करेंगे वो आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. ओके, बाय बच्चों.